हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज जो है आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आपका जो होता है लाइव प्रोसेस का, आपका पार्ट 4 में पढ़ाने जा रही हूँ आपका। जैसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो होता है उत्सर्जन, जिसे एक्सलेशन कहते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने यहाँ पे जो होता है आपका पोषण, और फिर जिसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, और आपका जो होता है श्वसन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, जिसे परिवहन कहते हैं, ठीक है ना। सारा जो होता है पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद आगे हम यहाँ पे समझ रहे हैं उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जन, जिसे हम लोग एक्सरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक्सरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले यहाँ पे ये जानना है कि एक्सरेशन होता क्या है, ठीक है ना। एक्सरेशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे, मतलब जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना। खाना खाने के बाद बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे शरीर में जो होता है मेटाबॉलिक क्रियाएं के द्वारा जो है ना, मतलब जो होता है आपका यहाँ पे उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो होता है शरीर में बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जहरीले पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना। जो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारे शरीर में यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है ना। आपका यूरिन जो होता है, आप यहाँ पे अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे यूरिया का निर्माण होता है शरीर में। तो ये सब चीजों को क्या होता है, ये जो होता है जहरीला पदार्थ होता है, जिसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है एक बात समझना जरूरी है, जैसे कि हमारे शरीर में, ठीक है ना, मुख्य उत्सर्जी अंग क्या क्या है, ठीक है ना। हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग क्या है, यह जानना जरूरी है। जैसे अगर उत्सर्जी अंग की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, उत्सर्जी अंग क्या होता है, जैसे स्किन हो गया, ठीक है ना, स्किन हो गया, यहाँ पे लंग्स हो गया, फेफड़ा जिसे कहते हैं, है ना, लंग्स हो गया, उसके बाद किडनी हो गया। किडनी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो होता है एक उत्सर्जी अंग होता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे पूछा जाता है, एक्सरेशन चैप्टर में पूछेगा कि आपका 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। अगर वहां पे पूछेगा कि आपका उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी वहां पे ऑप्शन में रहेगा, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन वहां पे दे देगा, तो आपको टिक करना है किडनी। अगर यहाँ पे स्किन होता है, और फिर लंग्स होता है, किडनी होता है, ठीक है ना, तो ये सभी होगा, तो यहाँ पे सभी में टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में जो होता है मुख्य रूप से हमको यहाँ पे किडनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ना है? किडनी के बारे में पढ़ना होता है। तो अब यहाँ पे उत्सर्जन का जो होता है एक डिफिनेशन आप यहाँ पे देखेंगे, उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है ना, जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसका डिफिनेशन वगैरह पूछते रहता है। तो आप यहाँ पे एक बार डिफिनेशन देखेंगे मेरे शासन, क्या होता है जीवों के शरीर में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो होता है, क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो होता है के समय बने हुए अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, को जीवधारियों के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। अब आगे हम यहाँ पे समझेंगे जो होता है आपका यहाँ पे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, ठीक है ना। मुख्य उत्सर्जी अंग की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो जो होता है आपका मुख्य उत्सर्जी अंग आपका यहाँ पे 5 जो होता हो जाता है, जैसे फर्स्ट में आपका हो जाएगा स्किन, ठीक है, स्किन हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पे नोट करेंगे, फिर मैं आगे यहाँ पे लिखाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कीजिए, है ना, नोट कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। चलिए मैं अब इसे मिटा। मनुष्यों के शरीर में जो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान, यानी उपापचयी क्रियाओं के दौरान, ठीक है ना, उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने हुए अवशिष्ट पदार्थ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, उसका उत्सर्जन मुख्य 5 जो होता है 5 अंगों द्वारा होता है, जिसमें पहला आपका यहाँ पे स्किन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ मुख्य उत्सर्जी अंग, ठीक है ना, उत्सर्जी अंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा स्किन हो जाएगा, ठीक है ना, त्वचा हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझ, स्किन आपका एक त्वचा आपका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, जो श्वेत ग्रंथि के द्वारा, ठीक है ना,
श्वेत ग्रंथि के द्वारा आपका यहाँ पे शिबम और फिर जो होता है पसीना का उत्सर्जन करता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे श्वेत ग्रंथि का, तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि आपका पसीना का जो होता है उत्सर्जन किसके द्वारा आता है। वहां पे लिखा रहेगा आपका यहाँ पे फेफड़ा के द्वारा, किडनी के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जो होता है आपका यहाँ पे बड़ी आंत, इस तरह से जो होता है ऑप्शन दे देगा। तो आपको अगर पसीना की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो पसीना का उत्सर्जन और सीवम का उत्सर्जन की बात करेंगे तो किसके द्वारा होता है, श्वेत ग्रंथि के द्वारा होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्किन के द्वारा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शिवम, ठीक है ना, सीबम आपका हो जाएगा। सीबम की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जैसे आपका नोज पे जो होता है यहाँ पे तेलीय पदार्थ बनता है, ठीक है ना। जैसे आप सो के उठते होंगे तो सुबह आप देखते होंगे गर्मी के टाइम में यहाँ पे आपका नोज पे तेलीय पदार्थ जमा हो जाता है, तेलीय पदार्थ बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शिवम कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो होता है पसीना का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, किसके द्वारा, श्वेत ग्रंथि के द्वारा पसीना का उत्सर्जन, पसीना का उत्सर्जन किसके द्वारा, श्वेत ग्रंथि के द्वारा, ठीक है ना, श्वेत ग्रंथि के द्वारा पसीना का उत्सर्जन होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे आप यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे जो होता है स्किन के बारे में। अगर आपको पूछेगा तो कि स्किन का अगर उत्सर्जन की बात करेंगे स्किन से, तो सीबम पसीना का उत्सर्जन जो होता है आपका किसके द्वारा, जो होता है आपका यहाँ पे श्वेत ग्रंथि के द्वारा होता है। की करेंगे मुख्य उत्सर्जी अंकित, तो आपका सेकेंड नंबर लंग्स हो जाएगा, जिसे हम लोग फेफड़ा कहते हैं। क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे लंग्स, ठीक है ना, फेफड़ा जिसे लंग्स कहते हैं। लंग्स एक आपका यहाँ पे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है ना, फेफड़ा आपका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। अगर यहाँ पे हम लोग लंग्स की बात करेंगे, तो लंग्स क्या होता है आपका, जैसे आप सांस लेते हैं, ठीक है ना, सांस लेते हैं तो आप यहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन, इसके अलावा वायुमंडल से नाइट्रोजन भी ग्रहण करते हैं हम लोग, है ना, नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब यहाँ पे जो होता है, जैसे आपका ऑक्सीजन के अलावा जो यहाँ पे CO2 होता है, तो CO2 का अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो CO2 का आपका उसके बाद जो होता है वलगम, ठीक है। अगर वलगम की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो वलगम आपका ठंड के टाइम में क्या होता है, ठंड के टाइम में जैसे कि खांसी या सर्दी होने के बाद जो कफ होता है, कफ हो जाता है, उसी को हम लोग वलगम कहते हैं, ठीक है ना। वलगम का उत्सर्जन और CO2 का उत्सर्जन जो होता है किसके द्वारा होता है, लंग्स यानी फेफड़ा के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे CO2 का उत्सर्जन, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे बलगम, ठीक है ना, बलगम जिसे हम लोग कफ कहते हैं, कफ का उत्सर्जन, ठीक है ना, बलगम और CO2 का उत्सर्जन जो होता है किसके द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा। जब आप यहाँ पे कफ का उत्सर्जन करते, जो हमारे मतलब जो कफ बनता है, उसके बाद क्या होता है, तो जब आप यहाँ पे लंग्स पे प्रेशर देते हैं, तो तभी तो वो बलगम का उत्सर्जन होता है ना। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगर अब यहाँ पे थर्ड नंबर बात करेंगे, इसके अलावा त्वचा, फर्स्ट में आपका त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, और तीसरा नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है बड़ी आंत। क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, बड़ी आंत हो जाता है, ठीक है ना। बड़ी आंत भी एक मुख्य उत्सर्जी होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अगर बड़ी आंत की यहाँ पे बात करेंगे, तो बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, ठीक है ना, जल का अवशोषण करता है, उसके बाद जो होता है यह मल का जो होता है उत्सर्जन करता है बड़ी आंत, ठीक है ना। बड़ी आंत के द्वारा जो होता है मल का उत्सर्जन क्या होता है, संचित रहता है। बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है, बड़ी आंत में जो होता है यहाँ पे मल जो होता है बड़ी आंत के द्वारा जो रेक्टम में संचित हो जाता है, और वहां से शमरी आंत से मल के रूप में रेक्टम में संचित रहता है आपका, जो मल जो होता है रेक्टम में संचित रहता है, और फिर वह समय समय। अगर यहाँ पे फोर्थ नंबर बात करेंगे हम, फोर्थ मुख्य उत्सर्जी अंग की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, यकृत हो जाता है, जिसे हम लोग लिवर कहते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए यहाँ तक, तो जो नहीं किए हैं आप वीडियो को पॉज करेंगे फिर नोट कर लेंगे। चलिए मैं इसे मिटा रही हूँ। और फोर नंबर ये यकृत यानी लिवर के बारे में, ठीक है ना, लिवर जो के बारे में, यकृत यानी लिवर,
लीवर होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लीवर एंड यकृत का बात करेंगे, तो लीवर एक आपका यहाँ पे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है ना। क्या होता है? मुख्य उत्सर्जी अंग आपका लीवर हो जाता है। लीवर क्या करता है? यह में जो होता है अमोनिया और यूरिया का निर्माण होता है। पहले अमोनिया जो होता है आपका यहाँ पे यूरिया से ज्यादा आपका जहरीला, अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा जहरीला पदार्थ की बात करेंगे तो वो आपका हो जाता है अमोनिया, ठीक है ना। तो मतलब आपका ये क्या करता है, लीवर क्या करता है, अमोनिया जैसे जहरीले पदार्थ को यूरिया जैसे कम जहरीले पदार्थ में बदलने का काम करता है। कौन आपका जो होता है? यकृत करता है, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे आप लिखेंगे अमोनिया जो होता है आपका अमोनिया की उपेक्षा जो यूरिया होता है आपका यहाँ पे कम विषैले पदार्थ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यकृत एंड लिवर जो होता है आपका यहाँ पे, यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है ना। क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है ना, बदल देता है। उसके बाद आगे आप यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे अमोनिया जो होता है आपका यहाँ पे यकृत क्या करता है, यहाँ पे अमोनिया यूरिया की अपेक्षा, यहाँ पे लिखेंगे यूरिया की अपेक्षा अमोनिया क्या होता है, ज्यादा यूरिया की अपेक्षा अमोनिया आपका ज्यादा विषैले पदार्थ होता है, ज्यादा विषैले होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ज्यादा विषैले होता है, ठीक है ना। यूरिया की अपेक्षा अमोनिया आपका यहाँ पे ज्यादा विषैले होता है, ठीक है, आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो जाता है जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर में आपका उत्सर्जन में मुख्य रूप से हम लोग को किडनी के बारे में ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लिया आप लोग, यहाँ पे आपका क्या होता है मुख्य उत्सर्जी अंग की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो पांच मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। सबसे पहले आपका यहाँ पे स्किन हो जाता है। स्किन क्या करता है आपका यहाँ पे, पसीना और जो होता है शिवम जैसे तेलीय पदार्थों को जो होता है इसका उत्सर्जन कौन करता है आपका, यश्किन करता है। उसके बाद अगर सेकेंड की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो सेकेंड मुख्य उत्सर्जी अंग आपका लंग्स हो जाता है, जिसे हम लोग फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ा जो होता है आपका यहाँ पे, यह CO2 और बलगम का उत्सर्जन कहते हैं, ठीक करता है, ठीक है ना। बलगम की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो बलगम आपका क्या हो जाता है, बलगम आपका हो जाता है जिसे कफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो आपका बड़ी आंत हो जाता है। बड़ी आंत क्या करता है, यह मल का जो होता है, मल का निर्माण बड़ी मतलब अनपचा भोजन जो होता है यह बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से रक्तम में जाके संचित हो जाता है, जो क्या होता है मलद्वार के रास्ते समय समय पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फोर उत्सर्जी अंग की बात करेंगे तो चौथा आपका यहाँ पे हो जाता है लिवर, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं, ठीक है। लिवर की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो लिवर क्या करता है, लिवर जो होता है अमोनिया जो बहुत ही ज्यादा विषैले पदार्थ होता है, यह अमोनिया जैसे विषैले पदार्थों को जो होता है कम विषैले पदार्थ यूरिया जैसे कम विषैले पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका? उसके बाद जो होता है आपका यहाँ पे फिफ्थ की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो पांचवा आपका यहाँ पे उत्सर्जी अंग हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं किडनी, जिसे गुर्दा भी कहते हैं, और फिर आपका यहाँ पे जो होता है किडनी या वृक्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपका यहाँ पे जो होता है नेक्स्ट हम समझेंगे वृक्क के बारे में, जिसे गुर्दा या किडनी के नाम से जानते हैं। तो मैं इसे मिटा रही हूँ, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप किडनी के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? किडनी, जिसे हम लोग गुर्दा कहते हैं, ठीक है ना, या फिर इसे ब्रिक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से? ब्रिक। तो किडनी क्या होता है? अब जो यूरिया हो गया आपका यहाँ पे, यूरिया क्या करता है आपका, यूरिया जो होता है यूरिन के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है ना।
यूरिन के रूप में जो होता है किडनी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब किडनी जो होता है आपका यहाँ पे यूरेटर के रास्ते, यूरेटर की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो जिसे हम लोग मूत्र वाहिनी कहते हैं, ठीक है ना। यूरेटर के रास्ते जो होता है आपका, यूरेटर जो होता है फिगर के थ्रू हम आगे समझेंगे, तब तक मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। यूरेटर के रास्ते यह यूरेटर के रास्ते आपका जो होता है ब्लैडर में जाके संचित होता है। ब्लैडर आपका जो होता है यह आपका मूत्राशय हो जाता है, ठीक है ना। और ब्लैडर से जो होता है यह जो होता है मूत्र मार्ग के रास्ते, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा के रास्ते रास्ते बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे लिखेंगे जो होता है आपका आगे, यहाँ पे मैं इसे लिखा दे रही हूँ, ठीक है ना। किडनी क्या होता है, किडनी यह मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है, उत्सर्जी अंग होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे जो होता है यहाँ पे लिखेंगे आप नोट करके, जो होता है नाइट्रोजन जो होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है यह सब में कॉमन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का उत्सर्जन जो होता है यह सभी में होता है, जैसे आपका यहाँ पे नाइट्रोजन का, जैसे कि आपका पक्षी हो गया, ठीक है ना, पक्षी हो गया, मानव हो गया, तो इसमें जो होता है जलीय जीव हो गया, तो सभी में जो होता है आपका, अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है जो मानव में जो होता है यूरिन के द्वारा होता है, ठीक है ना। यूरिन के रूप में नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। स्तनधारी की अगर बात करेंगे तो स्तनधारी में जो होता है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है स्तनधारी में यूरिन के रूप में जो होता है नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे आपका मैमल्स की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्तनधारी का, ठीक है ना, स्तनधारी की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, स्तनधारी में जो होता है यूरिया के रूप में, ठीक है ना, यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है, ठीक है, यूरिया के रूप में। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे उभयचर जो होता है आपका यहाँ पे, उभयचर में जो होता है यह यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, यूरिया के रूप में भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पक्षी, जिसे रेप्टिलिया कहते हैं, पक्षी का अगर बात करेंगे तो यह यूरिन यूरिक एसिड के रूप में होता है, किसके के रूप में होता है, यूरिक का। पक्षी का बात करेंगे तो क्या होता है, यूरिक एसिड, ठीक है ना, यूरिक एसिड के रूप में इसका उत्सर्जन होता है आपका नाइट्रोजन का। क्लियर यहाँ तक। नाइट्रोजन का उत्सर्जन जो होता है स्तनधारी मानी मैमल्स में जो होता है यूरिया के रूप में होता है। उभयचर की अगर बात करेंगे, एम्फीबियंस की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यूरिया के रूप में ही होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे रेप्टिलिया की बात करेंगे, पक्षी की बात करेंगे, यह यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आगे जो होता है किडनी जो होता है आपका ब्रिक के बारे में अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे। मैं ऐसे बिठा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे किडनी के बारे में, किसके बारे में समझेंगे, किडनी के बारे में समझेंगे, ठीक है। अगर किडनी की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो किडनी क्या हो जाता है, यह मुख्य उत्सर्जी अंग हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ फिगर को ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, आप मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो होता है फिगर के थ्रू समझाने में आपको ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे भी, तो आप यहाँ पे फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर को ड्रॉ करते जाएंगे यहाँ पे, साथ यहाँ पे नाम को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो होता है दो किडनी होता है, ठीक है, एक यहाँ पे जो होता है यह लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया, ठीक है, लेफ्ट हो गया, और इधर साइड आपका जो हो जाता है यह राइट किडनी हो जाता है, ठीक है ना, राइट साइड। राइट किडनी हो गया या यहाँ पे लेफ्ट किडनी हो गया, ठीक है ना। लेफ्ट किडनी जो होता है जिसे हम लोग बायां वृक्क कहते हैं और इधर हम दायां वृक्क कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं यहाँ पे, बायां वृक्क कहते हैं और इसे हम लोग दायां वृक्क कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, दायां वृक्क कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जो होता है यहाँ पे आगे समझेंगे हम, और ये जो दो नसें आ रही है, ठीक है ना, जो इस तरह से दो नसें आ रही है जिसे हम लोग
इसे हम लोग रेनल नस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो दो नसें दिखाई दे रही है जिसे हम लोग रेनल नस कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका यहाँ पे रेनल धमनी होता है, ठीक है ना, रेनल धमनी होता है, ठीक है ना। और दूसरा आपका यहाँ पे जो हो जाता है यह रेनल वृक्क हो जाता है, ठीक है ना, रेनल वैन हो जाता है जिसे नस कहते हैं, ठीक है ना, नस या फिर वैन कह सकते हैं इसे। तो यह आपका यहाँ पे किडनी हो गया, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड हो जाता है, एक राइट साइड किडनी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो यहाँ पे दो नसें दिखाई दे रही हैं, इधर वाले नस को हम लोग रेनल धमनी कहते हैं, जिसे रेनल आर्टरी कहते हैं इंग्लिश में, और इधर वाले नस को जिसे हम लोग जो होता है रेनल नसे कहते हैं या फिर रेनल वैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे लेफ्ट किडनी जो होता है, लेफ्ट किडनी की अपेक्षा आपका यहाँ पे जो राइट किडनी होता है, जो दायां किडनी होता है, यह थोड़ा धसा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? थोड़ा धसा हुआ दिखाई देता है। क्यों देता है? यह लीवर के दबाव के कारण जो होता है आपका राइट किडनी थोड़ा सा धसा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये आपका यहाँ पे जो यहाँ पे जो यूरिन हो गया, ठीक है ना, जैसे आपका यहाँ पे किडनी क्या करता है, किडनी का मुख्य काम हो जाता है यह ब्लड को छानने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, ठीक है ना, जो हृदय होता है आपका यह ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का काम आपका करता है हृदय, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन यानी शुद्ध करने का काम आपका हृदय करता है। उसके बाद जो होता है इसे छानने का काम अगर बात करेंगे तो छनन की बात करेंगे, फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो फिल्ट्रेशन का काम आपका किडनी करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्यूरिफिकेशन की बात जो होता है यह आपका रेनल आर्टरी के द्वारा जो होता है, रेनल वैन के द्वारा यह ब्लड को छानने का काम करता है, और छानने के बाद यहाँ पे जो होता है दोनों किडनी में जो होता है ब्लड का छनन होता है, ठीक है ना, दोनों किडनी में क्या होता है ब्लड का छनन होता है। उसके बाद जो होता है रेनल आर्टरी के द्वारा आपका जो होता है यहाँ पे रेनल जो आपका जो वैन हो गया इसके द्वारा आपका जो होता है यहाँ पे ब्लड आता है। उसके बाद छनन के बाद जो हो जाता है आपका रेनल धमनी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे जितने भी अवशिष्ट पदार्थ यहाँ पे बना, ठीक है ना, अब जो ब्लड छानने के बाद जो यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ बना, जो जिसे यूरिन का निर्माण आप कह सकते हैं, मूत्र का निर्माण जो हुआ, अब मूत्र क्या होता है आपका यहाँ पे जो मूत्र का निर्माण हुआ यह आपका इसे कहा जा ये जो होता है जो ये दो यहाँ पे निकली नसें जो दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसे हम लोग मूत्र वाहिनी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग यूरेटर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? यूरेटर, मूत्र वाहिनी कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है इसे हम लोग कह भी ब्लैडर हो जाता है, ठीक है ना, ब्लैडर हो गया। ब्लैडर जो होता है यह आपका जिसे हम लोग मूत्राशय कहते हैं, इसे मूत्राशय के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है ब्लैडर जो होता है आपका यहाँ पे यूरेथ्रा के रास्ते, यूरेथ्रा, ठीक है ना, किसके रास्ते? यूरेथ्रा के रास्ते, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है ना, मूत्र मार्ग के रास्ते आपका जो होता है यूरिन बाहर निकल जाता है। क्लियर यहाँ तक? आई होप कि आप फिगर को यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे रेनल वैन के द्वारा ब्लड आता है, ठीक है ना, और इसका जो छनन की काम होता है यह यहाँ पे होता है, दोनों किडनी में छनन का काम होता है, और रेनल आर्टरी के द्वारा जो होता है ब्लड छानने के बाद निकलता है। उसके बाद जो यहाँ पे यूरिन का निर्माण हुआ, ठीक है ना, किडनी का मुख्य काम होता है यह ब्लड का छनन करना और यूरिन का निर्माण करना, ठीक है ना, यूरिन यानी पेशाब का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद जो होता है यह यूरेट्रा के रास्ते यानी यूरेटर जो होता है मूत्र वाहिनी के रास्ते यूरिन जो होता है यह आपका ब्लैडर में जाके संचित होता है, ठीक है ना, ब्लैडर में जाके संचित। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ब्लैडर में यूरिन आपका 250 ग्राम तक संचित रह सकता है, ठीक है ना, कितना रहता है 250 ग्राम तक स्टोर रह सकता है। उसके बाद जो होता है आपका यूरिन जो होता है ब्लैडर से यूरेथ्रा के रास्ते यानी मूत्र मार्ग के रास्ते आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग किडनी के बारे में पूरा यहाँ पे फंक्शन समझ गए होंगे। तो किडनी जो होता है आप लिखेंगे सबसे पहले यह मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है ना, किडनी आपका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। यह ब्लड का जो होता है फिल्ट्रेशन यानी छानने का काम करता है किडनी, ठीक है ना, क्या करता है? फिल्ट्रेशन यानी छानने का काम करता है किडनी। उसके बाद जो होता है किडनी आपका
जो राइट किडनी होता है यह लिवर के दबाव के कारण थोड़ा धसा हुआ रहता है आपका लेफ्ट किडनी की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और यहाँ पे मैग्नम में जो होता है किडनी की संख्या ने वृक्क की बात करेंगे तो कितने होता है, एक जोड़ा आपका वृक्क होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वृक्क कितने जोड़ा होता है, तो एक जोड़ा आपका यहाँ पे वृक्क होता है। उसके बाद जो होता है आपका एक राइट होता है एक लेफ्ट साइड हो जाता है। ठीक है ना, अब वृक्क में जो होता है नेफ्रॉन की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो नेफ्रॉन की संख्या जो होता है दोनों वृक्क में 10 लाख होता है। ठीक है ना, 10 लाख एक वृक्क में होता है और दोनों वृक्क में जो होता है 10-10 लाख आपका नेफ्रॉन का संख्या होता है। आगे हम नेफ्रॉन के बारे में भी समझेंगे, सबसे पहले किडनी के बारे में यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे लिख रहे हैं, आप एक एक पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे। क्या होता है आपका किडनी जो होता है यह मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है ना, यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ, आप नोट करते जाएंगे। मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है ना, उत्सर्जी अंग है। ठीक है, क्या होता है यह मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है ना, अंग है। उसके बाद होता है यह मनुष्य में कितने होता है, दो जोड़ा। ठीक है ना, कितने होता है, एक जोड़ा यानी दो होता नंबर में एक जोड़ा। ठीक है ना, एक जोड़ी होती है। ठीक है ना, एक जोड़ा नहीं दो नंबर में हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो किडनी होता है, किडनी में नेफ्रॉन की संख्या की अगर बात करेंगे तो कितना होता है, 10 लाख। ठीक है ना, 10 लाख आपका प्रत्येक किडनी में होता है, 10 लाख प्रत्येक किडनी में। ठीक है ना, प्रत्येक किडनी में जो होता है नेफ्रॉन का संख्या कितना हो जाता है, 10 लाख हो जाता है प्रत्येक किडनी में। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो होता है किडनी की अगर बात करेंगे तो किडनी जो होता है यह कैसा होता है, ये आपको दिख रहा होगा सेम के बीज का आकार का होता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन रहा है, यह क्या होता है, सेम का बीज का आकार का होता है। कैसा होता है, बीन शेप्ड जिसे कहते हैं, सेम का बीज। ठीक है ना, बीज के आकार का होता है। ठीक है, किलियम का बीज का आकार का होता है। ठीक है, अब यह अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किडनी का इकाई की बात करेंगे तो जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है यह आपका आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपका शरीर जो होता है यह कोशिका का बना होता है, उसी तरह जो होता है नेफ्रॉन जो होता है यह एक प्रकार का जो होता है, किडनी जो होता है एक प्रकार से यह नेफ्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है, नेफ्रॉन का बना होता है। ठीक है ना, अब प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन का संख्या कितना होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक किडनी में जो होता है, प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन का संख्या कितना होता है, प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन का संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाता है। ठीक है ना, कितना हो जाता है, 10 लाख हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पे जो ब्लैडर आपका है, ब्लैडर में जो होता है आपका यूरिन कितना स्टोर रह सकता है, 250 ग्राम तक आपका ब्लैडर में यूरिन स्टोर रह सकता है। ठीक है ना, इससे ज्यादा आपका यहाँ पे ब्लैडर में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आपका नेक्स्ट क्लास जो होता है यहाँ पे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका जो होता है, आगे हम किडनी के बारे में जो होता है आपका जो ब्रिक का जो होता है, जो किडनी होता है इसका आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आंतरिक भाग की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो आंतरिक भाग जो होता है एक मेड्यूला होता है एक कॉर्टेक्स होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एक मेड्यूला होता है एक कॉर्टेक्स होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो होता है यूरेटर यूरेथ्रा के बारे में, रेनल आर्टरी के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। उसके बाद जो होता है हम यहाँ पे किसके बारे में समझेंगे, उसके आगे जो हो जाता है हम समझेंगे आपका नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन का अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन का काम क्या होता है। ठीक है, आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये भी समझेंगे किडनी का जो होता है आपका किडनी डैमेज हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आपका किडनी जो होता है किसी कारणवश डैमेज हो जाता है तो इस क्रिया में क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करेंगे। एग्जाम नजदीक है तो और भी यहाँ पे न्यू बच्चे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है।